अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीजेस। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक फील्ड है ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के यूज़ से हम डिफरेंट जेनेटिकली जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दैट इज़ अ फील्ड बेसिक रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। सारी की सारी कहा कि बायोलॉजी बायोलॉजिकल लाइफ्स के इस्तेमाल से, यानी हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए एंड उससे सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए के साथ इस्तेमाल करके किस तरह से मैनकाइंड के बेनिफिशेंस के लिए डिफरेंट नई चीज़ें बना सकते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम उससे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मेन हैं जो इस्तेमाल होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो हमारे टूल्स कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। एंजाइम है, जाहिर सी बात है, नाम शो करे एंडोन्यूक्लिएज, तो न्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज एक एंजाइम का नाम होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बेसिकली चीज़ें ही होती हैं कि ये एंजाइम क्या करते हैं कि जब उनको हम डीएनए पे एक्ट करवाते हैं तो हर डिफरेंट तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है उसके पास एक वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और वो डीएनए की सीक्वेंस को जिस जगह को रिकॉग्नाइज करते हैं उस जगह से काट लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि मेरे पास है जी ह्यूमन डीएनए और उसमें वो जीन्स हैं, आई एम सॉरी, अच्छा ह्यूमन डीएनए में वो जीन्स हैं जो कि इंसुलिन बनाने के लिए एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। आपको बताया नजर है ह्यूमन डीएनए में ही वो जीन्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, पेनक्रियाज के पास वो हैं। तो अब क्या होगा कि जब वो जीन्स जिन्होंने इंसुलिन बनानी है, जब वो प्रोटीन, जाहिर है इंसुलिन एक प्रोटीन है तो कोई जीन्स ही एक्सप्रेस होंगे, तो इंसुलिन प्रोटीन बनाने वाले जीन्स को अगर मैंने पूरे डीएनए में से सपोज करते हैं अलहदा करना है, तो मैं उस स्पेसिफिक किस्म का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डालूंगी जो कि डीएनए को उस जगह पे से कट कर देगा जहाँ पर बीच में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी वो इंसुलिन आ जाएगा। जहाँ पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन मुझे मिल जाएगा वो अलग हो जाएगा, फिर मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगी जिस भी तरह से मैंने करना है। आगे पूरा प्रोसेस अभी मैं बताऊँगी। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के एंजाइम है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डीएनए को, जहाँ से हमें ज़रूरत हो वहाँ से हमें काट के दे देते हैं, छुरी का काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब मैंने भी बताया कि ये एक तरह का एंजाइम नहीं होता, ये बहुत सारी तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं और हर तरह का जो है वो डिफरेंट जगह से काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हर तरह का जो है वो हर तरह के डीएनए के सीक्वेंस को अलग जगह से काटता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, जितना भी काटेंगे, जो भी जिस भी जगह से काटेगा, हमेशा वो सीक्वेंस पैलिंड्रोम कहलाता है। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अब सपोज ये मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है ना, एक तरफ इसके बेसिस आ रही हैं सी जी टी सी और ए, सपोज करते हैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट आएंगी सी के ऑपोजिट जी और जी के ऑपोजिट सी, फिर ए, फिर जी और फिर टी, ये आ जाएंगे, ठीक है, इनके ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे। अब सपोज करते हैं ये फाइव प्राइम एंड ये थ्री प्राइम, ये थ्री प्राइम, ये फाइव प्राइम, ठीक है जी। अगर ऐसा सीक्वेंस होगा और मैं कहूँ कि अब मैंने अपने डीएनए को काटना है, डीएनए को वो यहाँ से भी काट देगा, इधर से पूरी डीएनए चेन से अलग करेगा इसको, इधर से पूरी डीएनए चेन से अलग कर देगा, ये मेरे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो अलग कर दिया है, हो सकता है कि वो इसको आपस में भी इधर से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी अलहदा कर दे, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेरे पास अलहदा हो गया। अच्छा, अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आप देखें कि अगर मैं थ्री प्राइम से फाइव प्राइम की साइड पर रीड करती हूँ तो ए सी टी जी सी ये सीक्वेंस आता है, लेकिन अगर मैं इधर इस वाले को थ्री प्राइम से फाइव प्राइम की साइड पे रीड करती हूँ तो जी सी ए जी टी डिफरेंट सीक्वेंस आते हैं। लाइक इधर से थ्री से फाइव प्राइम की तरफ रीड करना और इधर से थ्री से फाइव प्राइम की तरफ रीड करना, दोनों मुझे अलग तरह से सीक्वेंसेस दे रहे हैं। जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स जो है, इनकी ये प्रॉपर्टी है या फिर इनके पास ये एक खसूसियत है कि ये जब भी किसी भी डीएनए को कट करते हैं तो ये इस तरह के सीक्वेंस पे आके कट करते हैं कि अगर हम दोनों में से किसी भी एक साइड से पढ़ेंगे उसको तो एक ही तरह का रीडिंग आएगी। अब ये देखें आप, ठीक है, अगर अब ये मेरे पास सीक्वेंस है, मैं इस साइड से इधर लेके आऊँ अगर इसको जी डबल ए टी सी, अगर मैं इस थ्री प्राइम से इधर लेके आऊँ इसको जी डबल ए, ओ इधर ए आना था, इधर क्या आना था, यस जी डबल ए आना था, इधर टी और इधर ए, जी डबल ए टी सी, तब भी जो है वो सीक्वेंस यही बनता है, ठीक है। तो बहरहाल चाहे किसी भी साइड से काम हो, जो अब हमारे पास दोनों साइड से एक ही जैसा सीक्वेंस पढ़ने को हमें मिलेगा तो उसमें हम ये कहेंगे कि वी हैव दिस, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पर आता है इधर एक और आएगा जी जी डबल ए डबल टी सी बेसिकली आएगा, और ये डबल टी
और डबल ए आएगा, ठीक है, लाइक दिस। अब ये सही बना है, जी डबल ए डबल टी सी, जी डबल ए डबल टी सी। तो ये जब मैं चाहे किसी भी साइड से पढ़ूंगी तो मेरे पास दोनों साइड से इसका जो सीक्वेंस ऑफ पढ़ना है वो बिल्कुल मुझे सेम न्यूक्लियोटाइड बेसिस देगा। जब इस तरह का सीक्वेंस से कटिंग होती है, इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। अभी आपके वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने याद रखने से भूलना नहीं है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो ये आपका एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। रिस्ट्रिक्शन एंडियो न्यूक्लियस जब भी कट करते हैं तो वो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ये अगली चीज़ के नॉमेनक्लेचर। जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जनरली तो मैंने उन्हें कह दिया, लेकिन अगर उनके स्पेसिफिक नाम की हम बात करें तो वो किस तरह से उनका नाम दिया जाता है, तो उसमें हमने शामिल किए हुए हैं जी इस तरह के चार चीज़ें, ठीक है। ये चार, ये जो एच ए ई और थ्री है, चार चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो नाम होता है वो होता है नेम ऑफ द जीनस का पहला लेटर, जिस स्पीशीज से, जिस बैक्टीरिया से हमने इस एंजाइम को लिया है, जिस भी चीज़ से लिया है, उस स्पीशी का कोई जीनस होगा, कोई ना कोई स्पीशी का नाम होगा, ठीक है। तो पहला जो नाम होता है वो हमेशा शो करता है नेम ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द जीनस। जो दूसरा लेटर होता है वो शो करता है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द स्पीशीज। और जो तीसरा ये लेटर है ये शो कर रहा है कि स्पेसिफिसिटी क्या है इस एंजाइम की, ये किस तरह की कटिंग कर रहा है, वो ये शो करते हैं। और ये जो थर्ड है ये शो करते हैं रोमन न्यूमरल्स में थ्री लिखना कि किस इसका, इस एंजाइम की डिस्कवरी का नंबर क्या था, मतलब पहले नंबर पर डिस्कवर हुआ, दूसरे पर, तीसरे पर। ये जो ए जी ए थ्री है ये है जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसका नाम है, जिसके जीनस का नाम था हीमोफिलस, इसके स्पीशी का नाम था इजिप्टस। ये हीमोफिलस इजिप्टस से हमने लिया था। और ई से है कि एंडोन्यूक्लियस है ये, और थ्री का मतलब है कि तीसरा नंबर ऑफ डिस्कवरी था इसका, थर्ड नंबर पे ये डिस्कवर हुआ था। तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टी वो है कि स्टिकी और ब्लंट एंड्स का बनाना, ठीक है। याद रखना आपने कि कभी भी अगर हमारे पास कटिंग ऑफ द डीएनए इस तरह से हो जाती है कि उसमें आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं कुछ वो भी कट जाते हैं, सपोज करते हैं, अब हम देखें, पहली बात तो ये कि जो कटा हुआ सीक्वेंस है पूरा का पूरा पैलिंड्रोम है, आप देखें ए जी सी टी ए जी सी टी, ठीक है जी। अब अगर जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मजीद काटे तो वो इस तरह से काट दे कि एक वो कट यहाँ लगाए, फिर वो एक कट यहाँ लगाए, फिर वो एक कट यहाँ लगाए। जब इस तरह से काटेगा तो कुछ यूँ दो सीक्वेंसेस, एक ये पूरा आ जाएगा हमारे पास, टी इधर आएगा, ए जी सी नीचे आएगा, एक ये पूरा आ जाएगा जिसमें सी जी ऊपर आ गया एंड टी नीचे आ गया। इस तरह के जो सीक्वेंसेस हैं, अब आप इसमें देखें कि एक तो इन दोनों की आपस में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज वो टूटी है, इन दोनों की फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टूटी है, उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज हुई है। ये जो जगह है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, और सी और जी और सी और जी इधर भी आपस में आमने सामने हैं लेकिन अलग अलग हैं, इनका बहुत चांस होता है कि आपस में बॉन्डिंग कर लें, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है इनकी। इसको हम कहते हैं, इस तरह के जो एंड्स बनते हैं हमारे पास जिसमें अपोजिट बेस पेयर्स जो हैं वो तैयार पड़े हुए हों कि आपस में जोड़ बना लें, इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। उसके अपोजिट अब आप ये वाले सीक्वेंसेस ज़रा देखें, अगर ये मेरे पास पूरा एक सीक्वेंस है जो पैलिंड्रोम का जी जी सी सी और सॉरी और यस जी जी सी सी, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब अगर कटिंग आपकी होती है इस जगह से, एक बन जाएगा आपका जी जी सी सी प्लस एक बन जाएगा आपका सी सी जी जी। अब इसमें यहाँ वाले इन दोनों के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कटी है, इन दोनों के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कटी है, लेकिन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कटा, इसका मतलब ये कि इनके पास जुड़ने की वो वाली एबिलिटी मौजूद नहीं होगी जो कि इनके पास थी, इसलिए इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक है जी। इस तरह ये जो स्टिकी या कोहेसिव एंड है ये बनाता है हमारा ताक वन, जो ताक पॉलीमरेज है वो बनाता है, और जो ये वाला है ये हमारा ए ची थ्री है जिसकी मैं एग्जांपल दी थी ना, ये वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस तरह के एंड्स बनाते हैं। अच्छा, फिर अगली जो चीज़ यहाँ पर हम बताने लगे वो है जी रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट जिस जगह से कटिंग की जाती है, जिस जगह से डीएनए को काटा जाता है, उस जगह को रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। डिपेंड करते हैं किस तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जैसे ये चार बेस पेयर्स के फासले पे आके काटना शुरू करते हैं, हर चार चार बेस पेयर्स के बाद काटते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छः छः बेस पेयर्स जब गुजर जाते हैं उसके बाद काटते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात खत्म होगी, नेक्स्ट पार्ट से डीएनए क्लोनिंग करते हैं।